अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बकर अहमद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो न्यूज़पेपर थीम है वर्डप्रेस का, उसको आप लोग फ्री में किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्लीन जीपीएल लाइसेंस में। न्यूज़पेपर थीम क्या है, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका डेमो वगैरह दिखा दूँ, तो न्यूज़पेपर थीम जो है तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ब्लॉग्स के लिए और न्यूज़ वेबसाइट के लिए, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक प्लगइन दिया था WP ऑटोमेटिक का, तो उसमें ये था कि आप लोग ऑटोमेटिकली जो है न्यूज़ वगैरह फिच करके आगे मतलब अपनी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली वो अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे थीम दिखा दूँ, तो इसके अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़े से डेमोज़ वगैरह दिखा दूँ, तो जैसे कि ये वाला डेमो मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद ये वाला, ये मैगजीन का हो गया, उसके बाद काफ़ी मतलब इसमें से है ना, जैसे क्रिप्टो के लिए न्यूज़, क्रिप्टो न्यूज़ हो गया, पर्सनल ट्रेनिंग लाइफ न्यूज़ हो गया, स्कूल के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। मतलब यहाँ पे मैं ये वाला थोड़ा सा डेमो ओपन कर लेता हूँ, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर 11 थीम है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें तो ये फुली इस तरह का है। दूसरा डेमो अगर मैं दिखा दूँ, तो इसका एक डेमो इस तरह, ये ब्लॉग्स और न्यूज़ के लिए काफ़ी तक यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा ये वाला डेमो थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो ये लोड हो गया इस तरह का, मतलब एक न्यूज़ वेबसाइट आप लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। इस पे मैंने अपना भी एक न्यूज़ वेबसाइट बनवाया है जो फुली ऑटोमेटिक है, ये वाला अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यूअर चॉइस न्यूज़, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये फुली ऑटोमेटिक न्यूज़ वेबसाइट मैंने बनाया है। यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिश वगैरह हो जाते हैं, और उसके बाद जो है तो यहाँ पे मतलब सारे के सारे जो है ऑटोमेटिकली, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ से कोई न्यूज़ वगैरह भी ओपन कर लूँ, तो इसमें सिंपल न्यूज़ होगा, और न्यूज़ के बाद जो है तो उसका नीचे सोर्स लिंक, ये भी मैंने इसलिए दिया ताकि कॉपीराइट वगैरह का इशू ना आए ना। यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, तो ये फुल न्यूज़ वगैरह इमेजेस सब कुछ आ जाते हैं, उसके बाद अगर लाइव टीवी का भी वो आ जाते हैं, और ये रहा सोर्स लिंक, अगर इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँ, तो मुझे बता देगा कि मतलब ये किस वेबसाइट से, जी न्यूज़ से ये लिया गया है, ठीक है, तो इस वाली वेबसाइट से जो है तो ये न्यूज़ फिच हुआ है, बिल्कुल वही सब कुछ है जो इधर भी आए हुए हैं, तो यही सीन है इसका। उसके अलावा जो है तो अगर मैंने आप लोगों को डेमो वगैरह भी दिखा दी, ये जो है इनवाटो का ही थीम, फॉरेस्ट का जो है थीम है, इसकी प्राइस है $59। अगर इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके आप लोगों को बता दूँ, तो ये तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं कुछ 10,413 रुपये। इस थीम को आप लोग फ्री में किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर जो है तो प्लगइन्स और फ्री थीम्स वगैरह के बारे में बताते रहते हूँ। हमारा गिव अवे होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है तो आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे और भी बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, कुछ वीडियोज़ देख ले ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए। और चलो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है या कॉपी करना है, जिस तरह भी आप लोगों ने ब्राउज़र में इसको सर्च कर लेना है, तो यहाँ पे ये आप लोगों के सामने खुल जाएगा, आप लोगों ने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, आप लोगों के सामने ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कोई मतलब मैंने एड्स वगैरह का नहीं दिया या बिटली वगैरह का भी नहीं दिया, डायरेक्टली आप लोग यहाँ से जो है ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये रेगुलर अपडेट होता रहता है, अभी दिसंबर में लास्ट ईयर जो है ये अपडेट हुआ है 22 को, तो ये रेगुलर अपडेट होते हैं, जब इसका अपडेट आ जाए तो काइंडली या मुझे यहाँ पे मैं खुद ही अपडेट कर लूँगा, अगर अपडेट ना कर पाया तो आप लोग मुझे बता दें, तो मैं इसका जो है तो न्यू अपडेट आप लोगों को 2-3 दिन में उधर ही अपलोड कर लूँगा, ठीक है, इसी लिंक पे, मतलब इस लिंक में से जो है अपडेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई प्लगइन या थीम चाहिए फ्री में जीपीएल लाइसेंस में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर ले, मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे वो वाला थीम जीपीएल लाइसेंस में मिला तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर लूंगा, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप लोगों को जो है इस तरह की जो न्यूज़ वेबसाइट मैंने बनाई है, उस तरह की वेबसाइट आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आप लोगों को उस पर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। और उम्मीद है आपको हमारी जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी, अगर वीडियो में कोई इशू हो तो माफ़ करना। उसके अलावा इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।